कोतवाली देहात थाना क्षेत्र के पंजाब नेशनल बैंक में उस वक्त हड़कंप मच गया जब हरी फिलिंग पेट्रोल पंप के एक कर्मचारी से 1,02,000 रुपए की रकम उड़ाकर एक बच्ची रफू चक्कर हो गई। पेट्रोल पंप कर्मी का कहना है कि वो पैसे जमा करने के लिए स्लिप भर रहा था, तभी एक 9 वर्षीय बच्ची उसका पैसे से भरा ठेला लेकर वहां से फरार हो गई। इतना ही नहीं, उसकी ये हरकत बैंक में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें नीला टॉप पहने एक बच्ची पैसे का ठेला लेकर बैंक से फरार होती साफ नजर आ रही है। दूसरी तरफ पुलिस द्वारा फुटेज खंगालना शुरू कर दिया है, हो सकता है कि कोई और उसके साथ हो। जी, बैंक में गया था पैसे लेकर गए 1,02,000 रुपए। वहाँ पे तब मैं स्लिप भर रहा था, पीछे से एक लड़की आई, होगा थैला उठाकर भाग के चली गई। कौन से बैंक में गए थे? PNB में, कोतवाली। आपको किसी पे शक है? शक क्या, शक की क्योंकि बात ही नहीं है उसमें, तो उसमें कैमरे में दिखाई दे रहा है उसके अंदर बैंक में। बैंक मैनेजर ने कोई एक्शन नहीं लिया उसमें जाकर, वो तो अपना पता नहीं अपना काम करता रहा। आज तो यहाँ पे कोई आया था जमा करने से, जमा करने टाइम पे वो कुछ चोरी हो गया। लेकिन कितना पैसा चोरी हुआ हमको तो मतलब रिटेल में है नहीं, है ना। अभी उस पर हम भी इन्फॉर्म कर दिए हमारे ऊपर ऑफिस को भी, ठीक है। और सभी को बताया कैश की कोई तहरीर आपने थाने वगैरह में दी? हाँ जी, कोई तहरीर वगैरह थाने में दी? थाने में कोई सूचना दी पुलिस को? हम तो पुलिस को बुलाया, हम सूचना नहीं दिए।